प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों के 3592 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में एक कंपनी पर शिकंजा कस लिया है। सीबीआई ने जनवरी में कंपनियों की कानपुर और मुंबई समेत देश भर में स्थित 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने कानपुर की मल्टीनेशनल कॉमोडिट कंपनी फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के संचालकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कंपनी संचालकों पर 14 बैंकों के 3592.42 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। तो आपको बता दें कि ये पूरे पैसों को लेकर जो छानबीन चली है, छापेमारी चली है, ये दर्जनों भर जगह पे करीब करीब छापेमारी चली है। तो हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हैं इस फैन लाइन पे। नीरज, ये पूरा मामला क्या है, कैसे फर्जी ढंग से ये लोन पास कराया गया और कंपनियों को पैसे बांट दिए गए? क्या ये कंपनियां भी फर्जी थी या उनके दस्तावेज जो थे वो फर्जी थे, उनके आधार पर उनको लोन दिया गया? जी बिल्कुल अभिषेक, इस पूरे मामले में यही चीजें सामने निकल के आ रही कि जो बैंक से लोन लिया गया उसको व्यापारिक गतिविधियों की आड़ में लेके इधर उधर निवेश किया गया। पूरे मामले में बैंक कर्मियों की भी जो भूमिका है वो संदेह की नजर में है। इस मामले की शिकायत बैंक ऑफ इंडिया के कानपुर के जनरल मैनेजर प्रशांत कुमार सिंह ने सीबीआई की थी। सीबीआई ने जनवरी में ही छापेमारी तमाम जगह शुरू कर दी थी इस कंपनी के। उसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था सीबीआई की तरफ से 19 जनवरी को। इसके बाद अब इसमें ईडी ने मुकदमा दर्ज किया और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करते हुए तमाम चीजों की जांच कर रही है और जल्द ही ये शिकंजे में जो इसके आरोपी है वो आएंगे इस पूरे मामले में। जी अभिषेक, जिन्हें वही बात करें कि देश के आर्थिक हालातों के बारे में, तो लगातार देश की जो आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है और ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो इस तरीके से करीब 3500 करोड़ रुपए का घोटाले कर रहे हैं, तो ऐसे में अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, इस पूरे मामले में बैंक के जो अधिकारियों की है मिली भगत के बिना ये चीजें संभव नहीं हो पाई है। लगातार जो जांच चल रही है उसमें बैंक के अधिकारी भी घेरे में आएंगे और साफ तौर पे है कि उनके जो बिहाफ पे इतना बड़ा लोन दिया गया जिसकी ना जांच हुई ना उनके जो बॉन्ड थे उनको चेक किया गया। अब उसके बाद ये चीजें सामने आ रही, सीबीआई जांच कर रही, इसके बाद अब ईडी ने मुकदमा दर्ज करके पूरी जांच शुरू कर दी और साफ तौर पर इससे कहा जा सकता है कि इसमें बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत है और वो भी सामने शिकंजे में जरूर फंसेंगे। दिनेश, अगर हम बात करें इन अधिकारियों और जो बैंक के कर्मचारी मिलीभगत हैं इनके बारे में, तो क्या किसी के नाम सामने आए हैं? जैसे कुछ कंपनियों के नाम सामने आए, उनमें से उनके मालिक या जो उनसे जो बैंक के कर्मी उनसे मिले हुए थे उनका कोई नाम सामने आया है? देखिए, इस पूरे मामले में जो बैंकें हैं उस समय के जो अधिकारी थे उनको लेकर सीबीआई जांच कर रही है और जल्द ही इन चीजों का खुलासा हो जाएगा। अभी जो मुकदमे सीबीआई ने दर्ज किए थे उसमें आज कानपुर के आजाद नगर निवासी उदय जयंत देसाई, उनके बेटे संजय देसाई व सुनील देसाई, लालचंद वर्मा समेत 13 नामजद व अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने पहले मुकदमा दर्ज किया था। अब इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। जी जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।